हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे लेटर लिखा जाता है अपने पिताजी को। ठीक है, जब आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले लिखा होगा क्या, तो ऊपर में देखिए क्या होगा, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाय बुक्स। मतलब अपने पिताजी को पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कुछ पैसे का जिक्र हो उसमें। ठीक है, किताब खरीदने के लिए आप लिखेंगे किस तरह से इसको, तो सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड में लिखेंगे अपना प्लेस एंड डेट मेंशन कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना जो प्लेस है और डेट भी दिया हुआ हूँ। ठीक है, निरसा धनबाद किए हैं और 1 अप्रैल दिए हैं, तो जिस दिन आप लिखिएगा उसी को लिखिएगा। उसके बाद जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा माय डियर फादर, अपने पिताजी को लिख रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, माय डियर फादर। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, थैंक यू फॉर योर लेटर, आई वॉज हैप्पी टू रीड इट, आई एम वेल, आई स्टडी एंड प्ले गेम्स एवरी डे, यू नीड नॉट वरी फॉर मी। ठीक है, एंड नाउ माई एग्जामिनेशन इज नियर, आवर टीचर हैज सजेस्टेड दैट आई शुड बाय सम बुक्स, ओके दैट सॉरी दे आर वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ठीक है, आई डू नॉट हैव मनी, प्लीज सेंड मी ₹500 टू बाई सम बुक्स, गिव माई लव टू मदर। ठीक है, ये लिख के मैं अपना जो लेटर है एंड करेंगे। ठीक है, और जस्ट राइट हैंड साइड में लिखेंगे योर लविंग सॉन, जो भी आप लविंग सॉन डॉटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से हैं, और नीचे आपका नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिए हैं, ABCD करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना क्या है कि ऊपर में जस्ट राइट हैंड साइड में प्लेस एंड डेट सबसे पहले, और उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे माय डियर फादर से शुरू करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, तभी आप लेटर को ठीक तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप कोई भी लेटर को लिख सकते हैं, इसको सिर्फ आपको देखना है किस तरह से लिखा जाता है। इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।